खुदा यीशु 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 तू है साफी खुदा यीशु 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 तू जलाली खुदा यीशु 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 तू है साफी खुदा यीशु 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 तू जलाली खुदा यीशु 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 तू है साफी खुदा यीशु 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 तू जलाली खुदा यीशु 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 तू है साफी खुदा तू है साफी खुदा।
यीशु तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, ओ चर्च हालेलुया, हालेलुया। ओ आइए ताली बजाए, ताली बजाए जोरदार। Hallelujah! Yesu, 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 tu jalali khuda. Yesu, 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 tu safi khuda. Yesu, 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 tu jalali khuda. Yesu, 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 tu safi khuda. Nikalne do, nikalne do. Unke andar mein spirit hai, nikalne do. जाने दो वॉलंटियर, जाने दो, निकलने दो भूतों को, निकलने दो यीशु के नाम में। ये अभिषेक है, अभिषेक के सामने शैतान ठहरता नहीं। हालेलुया, ताली बजाए यीशु के नाम को, महिमा दो। थैंक यू होली स्पिरिट, अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को थैंक्स करो, धन्यवाद करो आज के शाम। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद को लेकर। आज की फ्राइडे मीटिंग के ऊपर प्रभु तेरे भारी अनॉइंटिंग और अभिषेक को मांगते हैं प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, आज यहाँ पर मौजूद हर एक परिवार के लिए, जवानों के लिए, हर एक सेवक और सेविकाओं के लिए, जवान बच्चों के लिए, आज एक बेहतरीन आशीष स्वर्ग से मांगता हूँ। आज एक बेहतरीन आशीष स्वर्ग से आने वाला है, एक बेहतरीन अनॉइंटिंग आने वाला है, एक बेहतरीन अभिषेक आने वाला है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। और बाइबिल बताती है यीशु मसीह पानी पर चला। हाँ, बाइबिल बताती है यीशु मसीह ने किस पर चला? पानी पर। वो क्या था? अभिषेक। बोलो अभिषेक। ओ क्या है वो? ओ अभिषेक है। बोलो अभिषेक है। यीशु 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 तो जलाली खुदा, यीशु 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 से सदा।
मुख खोलो और परमेश्वर को धन्यवाद करो। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे पिता। मुझे देखो, मुझे देखो, इधर 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 देखो। एक अभिषेक आज तुम्हारे ऊपर में आ रहा है, एक भयानक अभिषेक। एक अभिषेक है, लो 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 ना। यीशु पानी पर चला, वो अभिषेक था, अभिषेक वो एनॉइंटिंग यहां पर है, वो पानी पर, पानी का अभिषेक ओ हर जवानों के ऊपर। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हें टच करे, तुम्हें छुए, तुम्हें अभिषेक करे, तुम्हारा अभिषेक बढ़ता जाए, तुम्हारा अभिषेक बढ़ता जाए, तुम्हारा अभिषेक घटे ना, वरन आपका अभिषेक बढ़े, तुम्हारा अभिषेक घटे ना, परंतु तुम्हारा अभिषेक दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तुम अपने अभिषेक को घटाओ नहीं, परंतु बढ़ाते जाओ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रिसीव 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 ओ रिसीव ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ लो कैमरा लो सब जगह सारी जगह में ओ लो 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 ओ 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 रीवा मावा ना शबाला ओ ओ ओ ओ ओ रेस्ट 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 ओ ओ ओ ओ एक एक लोगों के ऊपर ओ खुदा का अनॉइंटेड Touch with a plan. Touch with a plan. Thank you, Holy Spirit. तेरे नाम में दुहाई है, यीशु है। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में।
यीशु Oh, hallelujah. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. अभिषेक में बढ़ने का दिन है, अभिषेक को बढ़ाना है और ना ही अभिषेक को घटाना है। तो आप भी अभिषेक को बढ़ाते जाना है। जब अभिषेक बढ़ेगा आपके सारे स्थिति बदलेगा। जब अभिषेक में चलोगे हर बंधन से आजाद होंगे। जब अभिषेक होगा लोगों के बंधन टूटेगी। जब अभिषेक होगा आपके दशा और दिशा दोनों बदलेगा। जब अभिषेक में चलोगे अंधकार को हराओगे, शैतान को हराओगे, लताड़ोगे। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, यस पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। हम आज के शाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। हम उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जुआओं में, बंधनों में, बीमारी में आए प्रभु। आज के शाम प्रभु तेरा अभिषेक उन्हें आजाद करे। आज तेरा अभिषेक उन्हें आजाद करे। तेरा अभिषेक जुओं को तोड़े। तेरा अभिषेक जुओं को तोड़े खुदा। हर एक बीमारी दुष्टात्माएं निकल जाने पाए। हर एक दुष्टात्माओं की आत्माएं निकल जाने पाए। हर एक अंधकार की शक्तियां निकल जाने पाए प्रभु। तेरे बच्चों में तेरा अभिषेक आज की रात से बढ़ने पाए प्रभु। ने कहा कि ये अभिषेक को बढ़ाना है, ना ही घटाना है। अभिषेक को बढ़ाना है। जैसे जैसे अभिषेक आपके लाइफ के अंदर बढ़ता जाएगा वैसे आप अपने सब चीजों में बदलाव देखोगे। सब चीज आपके लाइफ के अंदर बदलता जाएगा। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। आइए ताली बजाए प्रभु को महिमा दे। बैठ जाए ताली बजा कर। हालेलुया। देखो टीवी स्क्रीन, देखो टीवी स्क्रीन, देखो बेटा। इन दिनों में अभिषेक में बढ़ना है।
और अभिषेक को संभालना है। हालेलुया, अभिषेक में बढ़ना है और अभिषेक को क्या करना है, संभालना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए वचन में जाएंगे हम लोग। निकाले निकाले मेरे साथ वचन निकाले निकाले। दूसरा राजा चेक 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 सुनो बेटा, परमेश्वर के वचन सुनो। आज मैंने आपको हेडिंग में कहा कि अभिषेक में बढ़ना है और अभिषेक को संभालना है। हालेलुया, अभिषेक में बढ़ना है और अभिषेक को संभालना भी है। अभिषेक बढ़ेगा तो आपको अभिषेक को संभालना भी होगा। हालेलुया, जैसे आपके अंदर अभिषेक बढ़ता जाएगा, आपके अंदर परमेश्वर का काम होता जाएगा, लेकिन आपको अभिषेक को संभालना है। हालेलुया, देखो अभिषेक कैसे काम करता है। आज हम एलिया नबी के बारे में देखेंगे, सुनेंगे, हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। दूसरा राजा चौथा अध्याय पहला वचन से हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, हाँ बड़े ध्यान से सुनिए, तेरा दास मेरा पति मर गया, हाँ और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, यस, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है, हाँ कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए, हाँ। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? ध्यान से सुनो, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? सुनो क्या बोलता है एलिशा प्रॉफिट के पास आकर के, एक विधवा माँ क्या बोलता है कि मेरा पति क्या हो गया, डेट हो गया है, मर गया है, और वो किसी का कर्ज लिया था, लेकिन बोलता है कि वो हमारे घर आया है। क्या बोलता है, वो हमारा, बोलो घर आया है। कौन, जिसने कर्ज दिया था, किसके घर आया है, बोलो विधवा माँ के घर, जिनके दो बेटा था। और एलिशा भी उस विधवा माँ के पास पहुंच गया। एलिशा को बोलता है विधवा माँ कि मेरे पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरा दोनों बेटा है, उसे दास बनाने के लिए ले जाएगा। हालेलुया, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, बड़े ध्यान से सुनो। देखो मैं हर एक फ्राइडे मीटिंग में अभिषेक के बारे में आपको सिखा रहा हूं। इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा अभिषेक कैसा काम करते है, वो चीज अपने दास को भर रहा है। हालेलुया, और आज आपको एक अभिषेक के बारे में सुनना है कि अभिषेक काम कैसा करता है। हालेलुया, मैंने क्या कहा, आपको अभिषेक में बढ़ना है और अभिषेक को संभालना भी है। हालेलुया, बाइबिल बताती है एलिशा उसे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या बोलता है, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, यस, तेरी दासी के घर में एक हाड़ी तेल को छोड़कर, और क्या बोलती है वो विधवा माँ, तेरी दासी के घर में एक हाड़ी तेल के सिवा और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, बोलता है नहीं है। दिखा बेटा, दिखा, क्या बोलता है, देखो टीवी स्क्रीन देखो, वो माँ क्या बोलती है, तेरी दासनी के घर में एक हंडी तेल की सिवा और कुछ भी, बोलता नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, परमेश्वर अभिषेक कैसे करता है अपने लोगों के ऊपर, कैसे अभिषेक काम करता है, कैसे अभिषेक में लोग बढ़ते हैं,
मैंने क्या कहा कि यीशु मसीह पानी पर चला, वो क्या था? प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक था। हालेलुया। आज बड़े ध्यान से सुनना जवानों, परमेश्वर जब बाइबल बताती है एलिसा उस विधवा माँ के पास में गया तो विधवा माँ के घर में कोई कर्ज देने वाला आया था, बोलता है कि मेरा पति तो मर गया है, डेट हो गया है और मेरे पास चुकाने का कुछ नहीं है, और बोलता है कि मेरा पति तो धर्मी था, उसने कर्ज ले रखा है लेकिन मेरे पास अदा करने के लिए कुछ भी, बोलता कि नहीं है, मेरे दो बेटा हैं, इसे दास बना के ले जाएगा। एलिसा पूछता है उस माँ को कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। बोलता क्या, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। यदि आप अभिषेक में चलने वाले लोग होंगे तो लोग के हेल्प भी बनेंगे आप। ओ आमीन। हालेलुया। ओ ताली बजा जोरदार। जब आप अभिषेक में चलेंगे, अभिषेक आपके साथ होगा तो लोगों के ऊपर, आपके ऊपर लोगों की आस भी होगी और आप लोगों के हेल्प करने वाले भी होंगे। ओ हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। और वो अभिषेक आपके जीवन में कैसा काम करता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। हाँ हाँ, आगे पढ़ेंगे। उसने क्या कहा, एलिसा ने कहा, उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। क्या बोलता है, तेरे दासी के घर में एक हंडी तेल के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वो स्क्रीन देखो, टीवी वाला, वो बोलता है कि एक हंडी तेल के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। और एलिसा क्या बोलता है, उसने कहा, और एलिसा ने उस माँ को कहा तू बाहर जाकर, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन मांग ले और थोड़ी बर्तन ना लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा। और बोलता है कि तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, लेकिन बोलता है कि थोड़ा बर्तन नहीं लाना, एक दो नहीं लाना, अधिक मांग के ले आना, जितना मिलेगा पड़ोसी से उतना बर्तन लेकर आना। बोलता है कि जा रही तो, लेकिन थोड़ा मोड़ा बर्तन नहीं लाना, दो चार नहीं लाना, बोलता है जितना मिल सकता है ले आना। बोलता कि आज मिराकल होगा। हालेलुया। बोलता कि मिराकल होगी, मिराकल होगा, आज मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलता कि एलिया, एलिसा बोलता कि माता, बोलता कि तू जा रही पड़ोसी के घर में, एक दो ही नहीं लाना, बोलता जितना हो सकता है सारे बर्तन लेकर आना तुम। हालेलुया। ओ परमेश्वर की आत्मा आपकी जिंदगी में अद्भुत करने के लिए जा रहा। आमीन। ओ हालेलुया। और बोलता है तू अपने बेटों समेत अंदर जाना। और क्या हुआ, जब वो माँ, विधवा माँ सारे बर्तन को इकट्ठा लेकर के, बाइबिल बताती है अपने दोनों बेटा को लेकर के जब अंदर गई तो बाइबिल बताता है आगे क्या हुआ, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। और जो भर जाए, टीवी में दिखाता जा बेटा, सारे बर्तन दिखाता जा, और जो भर जाए उसे क्या करना, उसे अलग करते जाना। और जो बर्तन भरता गया, बाइबिल बताती है कि जो एक हंडी तेल था, सुनो बड़े ध्यान से बेटा, एक हंडी तेल था, उसी तेल को क्या बोलता है एलिसा, जो बर्तन लेकर आई हो उसमें उंडेलते जाना, उसमें उंडेलते जाना, उसमें उंडेलते जाना। और बोलता है कि जो बर्तन तेल से भर जाएगा वो सारे तेल को अलग रखना। और बोलता है कि ऐसा करते रहना, ऐसा करते रहना, ऐसे करते रहना, बोलता है रुकना नहीं, बोलता करते रहना। हाँ हाँ। तब वह उसके पास से चली गई, और तब उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत, और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया, और अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए, और उसके पास में बर्तन लाते गए, चेंज करो, और वह उंडेलती गई, और जो बर्तन लाते गए उसको उंडेलता गया उस बर्तन के ऊपर में। ज,
जब बर्तन भर गए, और बाइबिल बताती जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। मेरे पास उसने क्या कहा, और ले आ। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा। ओ क्या बोलता है लड़का, और बर्तन तो नहीं रहा, नहीं रहा। हालेलुया। अरे सुनो, बड़े ध्यान से सुनो 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 सुनो। वो जब तक लाता रहा, जब तक लाता रहा, तब तक लाता रहा, तब तक उंडेलता रहा और बर्तन भरता रहा, बर्तन भरता रहा, बर्तन भरता रहा, बर्तन भरता रहा। उस माता को वो लड़का क्या बोलता है, बोलता कि मेरे पास और बर्तन नहीं रहा। फिर क्या बहना बंद हो गया। ओ सुनो, देखो क्या लिखा, तब तेल रुक गया। तब वो तेल क्या हो गया, रुक गया, रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बातें बता दिया। और उसने कहा, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना, और जो रह जाए तू उसे अपने पुत्रों समेत निर्वाह करना। बोलो हालेलुया। दूसरा बर्तन दिखाना, दूसरा बर्तन। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। जितने सारा बर्तन लेकर आया था सब भरता गया, भरता गया, भरता गया। बोला माता जी को रुकना नहीं, बर्तन को भरते जाना, बर्तन को भरते जाना। उसके बेटा को उसकी माता पूछता है, क्या और बर्तन है कि नहीं। बोलता है कि माता अब तो बर्तन नहीं रहा। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती बेटा कि जब बर्तन नहीं रहा, जैसे मुंह से बोला वो आशीष रुक गया। ओ हालेलुया। लेकिन जब तक वो भरता रहा, जब तक वो भरता रहा, जब तक वो भरता रहा, बाइबिल बताते कि वो अभिषेक बहता रहा, वो तेल दुमता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, वो बर्तन में भरता रहा, वो बर्तन कभी खाली ना हुआ। बाइबिल बताती है कि जितना सारा बर्तन लाया था वो सब के सब भर गया। ओ ओ ओ ओ, ओ ईश्वर वो होना चाह रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अरे आप रुकना नहीं, आपको बढ़ना है, 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 बढ़ना है। ओ होली फादर रिबादा लानाश्वोदोरोलो रिकादोरिया नबना। परमेश्वर के कामों में आपको बढ़ना है, वो अभी श्वेत बढ़ता जाएगा। जैसे बाइबल बताती है उसने कहा हमारे पास तो और बर्तन नहीं रहा, जैसे उसने बोला और बाइबल बताती है वो तेल बहना रुक गया। ओ हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, आज बाइबल क्या चीज सिखाता है, उसके लोगों को रुकना नहीं है, उसके लोगों को बढ़ते जाना है। आप जितने ज्यादा प्रभु के अभिषेक में भरोगे उतने ज्यादा वो तेल के कुप्पी के समान, वो पानी के समान, वो तेल के समान बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। लेकिन बाइबल बताती है जो ही इंसान रुक जाता है वही से आशीष रुकना बहना बंद हो जाती है। हालेलुया। प्रभु आपको उसे भरना चाहता है और आपको उस अभिषेक में बढ़ाना चाहता है, उस अभिषेक में बढ़ाना चाहता है, वो आशीष में बढ़ाना चाहता है, वो एनॉइंटिंग में बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप इतने रिच हो जाओ, इतने रिच हो जाओ, इतने रिच हो जाओ, इतने ब्लेस 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 हो जाओ कि आप एक दूसरे के लिए एक बड़े आशीष के कारण बन जाओ। ओ रिभा शखा दोरिया रबाना ये अभिषेक है, ये क्या है, अभिषेक है। ये ना रुकना, उंडेलता जाना, उंडेलता जाना, बर्तन भर भर के, भर भर के, भर भर के, भर भर के। माताजी उंडेल रही है, बच्चे साइड कर रहे, माताजी उंडेल रही है, बच्चे साइड कर रहे। ये क्या है, ये अभिषेक है,
एक अनॉइंटिंग है, एक अनॉइंटिंग है जो तुम्हारे जीवन के अंदर करने के लिए जा रहा है, तुम्हारे जीवन के अंदर करने के लिए जा रहा है, तुम्हारे जीवन के अंदर करने के लिए जा रहा है, तुम्हारे जीवन के अंदर करने के लिए जा रहा है, तुम्हारे जीवन के अंदर करने के लिए जा रहा है, तुम्हारे जीवन के अंदर करने के लिए जा रहा है, तुम्हारे जीवन के अंदर करने के लिए जा रहा है, तुम्हारे जीवन के अंदर करने के लिए जा रहा है। रिसीव पावर, रिसीव पावर, रिसीव, 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 टच। पानी पे चलने वाला अद्भुत कामों को करने वाला, पानी पे चलने वाला अद्भुत कामों को करने वाला। गाओ दिल से सना, गाओ रूह से सना, परस्तिस करो मैं सदा। गाओ दिल से सना, गाओ रूह से सना, परस्तिस करो मैं सदा। यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा। यरीहो के दीवार को तूने गिराया है, क्रूस पर शैतान को तूने हराया है, यरीहो के दीवार को तूने गिराया है, क्रूस पर शैतान को तूने यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाली खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा। सुनो 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 सुनो, हालेलुया। देखो परमेश्वर के दास एलिशा जब उस माँ के घर गया, बाइबल बताती है उनकी दशा और दिशा दोनों बदल गया। ओ हालेलुया, तालिया 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 तालिया। बाइबल बताती है ना, जब एक नबी किसी के घर जाता है, जब एक प्रॉफिट किसी के घर जाता है, जब एक दास किसी के घर जाता है, बाइबल बताती है उनके दशा और दिशा दोनों बदल जाता है। ओ तालिया 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 तालिया। आज इस अभिषेक में आपको चलने वाला बनना है, इस अभिषेक को लेने वाला बनना है, आज आपको इस अभिषेक में चलने वाला बनना है। हालेलुया। मैंने क्या कहा, एलिशा विधवा माँ के घर आया, विधवा माँ तो कर्ज में थी, और बाइबल बताती है कि विधवा माँ के घर में एक खंडा तेल के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे प्रॉफिट पहुंच गया, बाइबल बताती है उनके उनके पड़ोस से भी बर्तन लाना पड़ गया। ओ अभिषेक होली जीसस, लेकिन बाइबल बताती है, वो हेडिंग दिखाना मुझे, हालेलुया। टीवी स्क्रीन देखो, टीवी स्क्रीन देखो और पढ़ो, सब जने पढ़ो, मुंह खोल के पढ़ो। पाप अभिषेक खराब करता है, पवित्रता ही अभिषेक बढ़ाता है। बोलो, पाप अभिषेक खराब कर देता है। हालेलुया।
जवानों सुन रहे हो, आप जब पाप में चले जाते हो अभिषेक खराब होता है, लेकिन जब आप पवित्रता में रहते हो अभिषेक बढ़ता है। ओ हालेलुया। और बाइबल बताती है एलिया परमेश्वर के संग चलने वाला दास था और परमेश्वर के नबी था। और बाइबल बताती है जिस प्रकार उनके आत्मिक पिता जो एलीसा के आत्मिक पिता जो एलिया था उसके उसके दुगना अभिषेक एलीसा के अंदर में था। ओ हालेलुया। बाइबल बताती बेटा वो अभिषेक जहां जहां पर गया एलीसा वहां के लोग उद्धार पाया। जहां जहां पर एलीसा गया वहां लोगों की जिंदगी में बड़ा चमत्कार हुआ। जहां जहां पर एलीसा गया वहां पर लोगों की बड़ी बड़ी गवाहियां बनी। बोलो यीशु मसीह की। एक बड़ी गवाही मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सिंगनपुर चर्च में एक बहन की गवाही बता रहा हूं। उनके बच्चा पेट में उल्टा हो गया था। क्या हो गया था? पेट में उल्टा हो गया था। दो डॉक्टर ने जवाब दिया कि इनकी ऑपरेशन के बिना बच्चा डिलीवरी नहीं हो सकता। सुनो मुझे बड़े ध्यान से, अभी मैंने 3 तारीख को उनको इधर बुलाने वाला है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम 29 तारीख को जब सिंगनपुर चर्च में थे वो क्या गवाही देता है कि प्रभु के दास, तो डॉक्टर ने जवाब दिया था इनकी ऑपरेशन का बिना ये डिलीवरी नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा ऐसे आड़ा तिरछा हो गया है कि वो नबी में भी फंसा है। हालेलुया। उनके लिए एक छोटा सा प्रार्थना और एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था। मैं बोला कि मेरा बेटा मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं, तेरी रिपोर्ट नॉर्मल होगा यीशु मसीह के नाम में। और उनको एक छोटा सा प्रार्थना हुआ था, मेरे कहा कि मेरे बच्चे तुम नॉर्मल डिलीवरी से तुम अपने बच्चों को जन्म देगी। हालेलुया। सुनो 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 क्या हुआ मालूम है? अभी 27 तारीख को उनको एक बेटी हुआ और दोनों डॉक्टर को फेल कर दिया। हाउ यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है साथी खुदा, यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है साथी खुदा, ओ यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है साथी खुदा, यीशु यीशु तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा। बोलो यीशु मसीह की। मैंने क्या कहा कि एलीसा विधवा माँ के घर गया और उनकी दशा बदल गया। ओ हालेलुया। जब आप अभिषेक में चलोगे, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, जब आप अभिषेक में चलोगे कोई भी तुम्हें बुला रहा है प्रेयर के लिए, प्रभु उनकी दशा बदल देगा। आमीन। हालेलुया। कोई भी तुम्हें बुला रहा है, तुम किसी के लिए प्रार्थना करो उनकी दशा बदल जाएगा, उनकी दशा बदल जाएगा, उनकी दिशा बदल जाएगा, उनकी दशा बदल जाएगा, उनकी दिशा बदल जाएगा। वो एनॉइंटिंग होगा जो तुम्हारे अंदर में होगा वो उनकी दशा और दिशा बदल देगा, वो उनकी दशा और दिशा बदल देगा बच्चे। लेकिन मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि पाप अभिषेक खराब करता है लेकिन पवित्रता ही अभिषेक बढ़ाता है। हालेलुया। पाप क्या करता है बेटा? अभिषेक को खराब कर देता है लेकिन पवित्रता ही आपका अभिषेक को बढ़ाता है। हालेलुया। आपको अभिषेक को खराब करना है कि आपको अभिषेक को बढ़ाना है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिर आप गंदे स्टेटस डालना बंद कर दो। हालेलुया। हाँ, मसीह लोगों गंदे स्टेटस शोभा नहीं देता, समझ रहे हो बेटा? यदि एक मसीह हो आप, आज भी आपका मोबाइल का ट्यून खराब चल रहा है
तो आप अपने अभिषेक खराब कर रहे हो, समझ रहे हो ना? आपका गंदा स्टेटस आपको खराब कर रहा है, आपका अभिषेक खराब कर रहा है। आपके लाइफ में अभिषेक काम कब करता है? जब आप पवित्रताई में रहते हैं, जब आप परमेश्वर के भय में रहते हैं, परमेश्वर के नजदीक रहते हो, तो आपका अभिषेक बढ़ता है। लेकिन आपका अभिषेक खराब कब होता है? जब आप स्टेटस खराब डालते हो, गंदे वीडियो देखते हो, गंदे म्यूजिक सुनते हो, गंदे मूवी देखते हो, तो क्या होता है? अभिषेक खराब होता है। मैंने क्या लिखा? खुदा ने कहा, बेटा अभिषेक बढ़ता कब है? जब पवित्रताई में रहते हैं। हालेलुया। अरे एलिसा विधवा माँ के घर गया और रहने में थोड़ा सा तेल था, लेकिन सारा का सारा बर्तन भर गया, सारे पड़ोसी का बर्तन ले आया। ये क्या था? एक अंदर एलिसा के अंदर में था, वो क्या था? एक एनॉइंटिंग था, एक पावर था, एक सामर्थ था, एक प्रभाव था, एक परमेश्वर का अभिषेक था। ओ 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 तालियां 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 प्रभु यीशु के लिए तालियां। बाइबिल बताती है बेटा, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में था और बड़े भीड़ था। यीशु मसीह चेले के साथ था और बड़ा, बोलो बड़ा भीड़ था। और यीशु मसीह ने बड़े भीड़ को देखकर तरस खाया और यीशु मसीह ने उनको पूछा, यार तुम मार्ग में थके हुए यहीं पर बैठ जाओगे, तुम्हारे पास क्या कुछ खाने के लिए नहीं है? किसी ने कहा कि हमारे पास कुछ मछलियां हैं और कुछ रोटियां हैं। हालेलुया। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मत्ती निकालो मुझे, 15 अध्याय मत्ती। मत्ती का अध्याय 15:32 से आगे पढ़ेंगे हम लोग। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, यस मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। और यीशु ने क्या कहा? मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वो 3 दिन से मेरे साथ है। और यीशु बोलता है कि वो 3 दिन से मेरे साथ में है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। और उसके साथ में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। और उसने कहा कि मैं उसे भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वे मार्ग में थक कर रह जाएं। और उसने कहा कि मार्ग में कहीं ऐसा ना हो कि थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी, और हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटियां मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें, कि इतनी बड़ी भीड़ को हम तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? स्कीम देखो टीवी। यीशु मसीह ने क्या पूछा? बेटा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और चेलों ने क्या कहा? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। हाँ, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। हालेलुया। 7 रोटी हैं और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। यीशु ने क्या कहा? और उन 7, तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। बड़े ध्यान से सुनिए, अभिषेक की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया धन्यवाद करके तोड़ा। और बाइबिल बताती, धन्यवाद करके यीशु ने तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। और चेले लोगों को देता गया।
इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और इस प्रकार सब खा करके तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से और बाइबल बताती है चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए सात टोकरे उठाए। ओ कितने भरे हुए सात कितने 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 सात टोकरे सात ये क्या है? अभिषेक है क्या है? एक मिराकल है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती बेटा सात रोटी और थोड़ी सी छोटी मछलियां उतनी भीड़ को खिलाया और बाइबल बताती अंतिम में उसके चेलों ने कितनी टोकरियां उठाया? सात टोकरियां। वो आशीष आपके ऊपर बहने वाला है। आमीन आमीन। वो आशीष आपके ऊपर में होने वाला है जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे सो सेम मिरेकल हम प्रभु के साथ देखते हमारे साथ देखेंगे। आमीन। जो सेम अभिषेक हमारे प्रभु के दासों के साथ था वो अभिषेक हमारे साथ होगा। आमीन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हालेलुया। वो अभिषेक हमारे लाइफ के अंदर करता कब है? जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं हमारे अंदर वो अभिषेक काम करना प्रारंभ करता है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह पानी पर चला और वो एक एनॉइंटिंग था, एक अभिषेक था। यीशु मसीह ने इतने भीड़ को सात रोटी और छोटी मछलियों को खाना खिलाया, ये क्या था? एक एनॉइंटिंग था, एक अभिषेक था। एलिशा ने उस माता के घर में गया जो माता बड़े प्रॉब्लम में थी, उसने तो बोली कि मेरा पति मर गया है और बोली कि मेरा पति कर्जदार आया है और मेरे पास भरने के लिए कुछ भी नहीं है। बोलती है कि मैं क्या करूं, मेरे दो बेटा है उसे दास बना के भेज देता हूं। उसने बोलता है कि माता बता मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या मदद करूं। ओ हालेलुया। बोलते कि माता मैं तेरे लिए क्या मदद करूं बता। हालेलुया। एलिशा पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है? बोलता कि हमारे घर में थोड़ा सा हंडा में तेल के सिवा कुछ भी। बोलो नहीं है। और प्रभु ने जैसे ऑर्डर दिया एलिशा को, बोलता कि जहां अपने पड़ोस से भी बर्तन ले आना, जितना होता ले आना, सबको मंग के ले आना। और जितने लोगों के बीच में से बर्तन लेकर आया और बाइबिल बताती बेटा वो माता को बोला कि जा अपने बेटा के साथ में अंदर रूम में जाओ और उसको बर्तन में उंडेलते रहना। जैसे बर्तन में उंडेलते रहा, दिखा फोटो दिखा, जैसे बर्तन में उंडेलते रहा और वो तेल उस बर्तन में भरता गया। और बाइबिल बताती बेटा उनके घराने जितने बर्तन था सबके ऊपर में तेल भर गया। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। बोलो मेरी जिंदगी में काम कर। ओ हालेलुया। मैंने कहा कि आपको अपने अभिषेक को बढ़ाने वाला बनना है ना कि घटाने वाला। आपको अपने अभिषेक को बढ़ाने वाला बेटा बनना है, आपको अभिषेक को बढ़ाने वाला बेटिया बनना है, आपके आशीष को बढ़ाने वाला बेटा बनना है, आपके आशीष को बढ़ाने वाला बेटी बनना है, आपको घटाने वाला नहीं आपको बढ़ाने वाला बनना है। आप लोगों के लिए आशीष के कारण बनने के लिए जा रहे हो, आप लोगों के लिए आशीष के कारण बनने के लिए जा रहे हो। आप जो लोग से मिलोगे वो आशीष होंगी, आप जिनसे मिलोगे उनके गवाहियां आएंगे, आप जिनसे मिलोगे उनके घराने के ऊपर में बड़ा उद्धार आने वाला है। हे परमेश्वर का एनॉइंटिंग आज की रात के बाद आपके लाइफ के अंदर करने के लिए स्वा रहा है।
Thank you, Holy Spirit. ये चमत्कार पुनः एक अभिषेक है, बोलो अभिषेक है, एक चमत्कार होना चाहे, अभिषेक है। मैं इन दिनों में, सुनो मुझे, कि मैं इन दिनों में एक बड़ा चमत्कार मैं अपने लाइफ के अंदर देख रहा हूं। हाँ हालेलुया, एक बड़ा अनॉइंटिंग देख रहा हूं मैं, एक बड़े मसा को देख रहा हूं, एक बड़े ग्रेस को देख रहा हूं, और मेरे खुदा का बड़ा विजन है। ये भविष्यवाणी वर्ड है, हालेलुया, ये बड़े कामों की भविष्यवाणी का वर्ड है। और परमेश्वर वो हमारी जिंदगी के अंदर करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, एक भयानक काम परमेश्वर हमारे जिंदगी के अंदर करने वाला है। ये मिनिस्ट्री प्रभु का दायना हाथ के ऊपर है। इस मिनिस्ट्री को आपको मालूम है कि खुदा ने ऐसे उठा के रखा है, ओ ऐसे उठा के रखा है, और इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु बड़े बड़े विजन रखा है। छोटा विजन नहीं, बड़ा विजन, छोटी योजना नहीं, बड़ी योजना। बट आज परमेश्वर क्या चाहता है कि हर एक लोग परमेश्वर के आशीष में बढ़ो, परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ो, परमेश्वर के पवित्रताई में बढ़ो। परमेश्वर अद्भुत और अचंभे करने के लिए जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह इस जगह के लिए बड़ा योजना रखा है। खुदा ने मुझे आज, मैं प्रार्थना में था तो प्रभु ने एक आवाज दिया मुझे, और उसने कहा कि मेरे बेटा, मैं इस जगह के लिए बड़ा योजना रखूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं जब ऊपर रूम में था, प्रभु ने मुझे एक आवाज आया, बोलता कि बेटा जितना विलंब हो रहा है यहाँ की काम, मैं तेरे लिए बड़ा योजना रखा हूं। हालेलुया, मैं रात से पूछता रहा, मैं अपने वाइफ से कहा कि ये बातें, हम बहुत निराशा क्यों है इस टाइम, हमारा काम इतना पीछे क्यों स्लो चल रहा है। मैं परमेश्वर से रास्ते पूछता रहा। आज दोपहर में बोलते कि बेटा यहाँ के लिए बड़ा योजना है। हालेलुया, छोटी योजना नहीं, बड़ी योजना। हालेलुया, छोटी योजना नहीं बनतो, बड़ी योजना है, बड़ी योजना है। क्या है? बड़ी योजना है। मुझे देख, बड़ी योजना है, 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 बड़ी योजना है। मुझे देख, चंगा होना चाहती है, मुझे देख, आंख खोल के देख, देख 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 देख
चल छोड़ 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 इनके बॉडी को छोड़ 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 तू भी चल ओए इधर इधर देख तू भी देख चल निकला 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 देख मुझे देख 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 चला जा चल चल वो खोल के चल वो खोल गए चल चल इधर आ इधर देख मेरे तरफ देख मेरे देख 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 मुझे देख मुझे देख मुझे देख चंगा होना चाहती है मुझे देख मुझे देख मुझे देख इधर देख देख एक आग आ रहा है तुम्हें छूने के लिए छोड़ दे वाली डियर छोड़ दे दूर मेरा थैंक यू होली स्पिरिट प्रभु तुम्हें आजाद कर रहे हैं प्रभु तुम्हें आजाद कर रहे हैं देख प्रभु तुम्हें आजाद कर रहे हैं देख प्रभु तुम्हें आजाद कर रहे हैं मैं हाथ रखूंगा आजाद हो रही है तू फ्री टच फादर इन्हें आजाद करता हूं यीशु के नाम में आजाद करता हूं इनके पेट में से सारे बंधन टूट जाए और खिलाया पिलाया सब निकल जाए उल्टी के द्वारा सब भगे चीखे चिल्ला करके निकल जा अशुद्धात्मा निकल जा बहन की जिंदगी से निकल जा यीशु के सामर्थ्य नाम में वसीब करो खड़े होकर वसीब करो यीशु 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 तो जलाली खुदा यीशु 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 तो है सापे खुदा यीशु यीशु तू जलाली खुदा यीशु 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 तू है सापे खुदा कब से बोल कितने साल से कितने साल से बोल कितने दिन से इस बॉडी से नहीं बोलेगी नहीं बोलेगी नहीं बोलेगी नहीं बोलेगी चल मुंह खोल के बता कितने साल से है नहीं बताएगी कौन है तू नहीं बताएगी नहीं बताएगी चल बोल जाएगी कि नहीं बता जाएगी कि नहीं क्या बोली नहीं जाएगी कौन है तू बता कौन है तू लूसीफर है कौन है इब्लीस है लूसीफर है कौन है तू वो खोल के बता मैं परमेश्वर के दास होने के नाते तुम्हारे मुंह को खोलता हूं आज मुंह खोल के बता खुल जाए यीशु के नाम में चल बता जाएगी कि नहीं बोल नहीं जाएगी देख अभी जाएगी पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु इस बहन को आजाद कर रहे तू फ्री हो रहा है यीशु के नाम में फ्री हो रहा है बेटा फ्री हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम आग लगाते हैं यीशु के नाम में आग लगाते हैं सारे जादू टोने पर आग लगाते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में फ्री करते हैं यीशु के नाम में यीशु 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 तू जलाली खुदा यीशु 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 तू है साफी खुदा यीशु 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 तू जलाली खुदा यीशु 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 तू है साफी खुदा यीशु 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 तू जलाली खुदा यीशु 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 तू है साफी खुदा यीशु 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 तू जलाली खुदा
वाला अद्भुत कामों को करने वाला पानी पे चलने वाला अद्भुत कामों को करने वाला गाओ दिल से सना गाओ रूह से सना परस्ते करो पैसा Yesu Yesu tu es api kuda Yesu 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 tu jalali kuda Yesu 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 tu es api kuda Yesu 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 tu jalali kuda Yesu 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 tu es api kuda Yesu 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 tu jalali kuda Yesu 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 tu उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करो अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर को धन्यवाद करो थैंक यू होली स्पिरिट थैंक यू फादर थैंक यू मास्टर नेम ऑफ जीसस प्रभु आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक मेरे जीवन में काम करे सब जन बोलो बेटा तेरा अभिषेक मेरे ऊपर काम करे हमें अपने छत्तीसगढ़ बचाना है हमें छत्तीसगढ़ में एक बेदारी लाना है हमें छत्तीसगढ़ के लोगों को बचाना है छत्तीसगढ़ जितना अभी प्रॉब्लम्स में जा रहा उतने परमेश्वर छुड़ाने के लिए जा रहा क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए जा रहा है जितनी प्रॉब्लम्स आज क्रिश्चनलिटी के अंदर है वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए है तो आज आपको खड़ा होना है परमेश्वर के सामर्थ को लेकर जब परमेश्वर के सामर्थ को लेकर खड़े होंगे
परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना प्रारंभ करेगा, लोगों के मन की आंखों को खोलना प्रारंभ करेगा, लोगों की आंखें खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। आइए अपने हाथों को उठाएं और महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा। थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हाथों को एक दूसरे को पकड़ो, एक दूसरे को पकड़ो, एक दूसरे को पकड़ो। जितने लोग अपने हाथों को एक दूसरे को पकड़ो, परमेश्वर तुम्हें अभिषेक करे, परमेश्वर तुम्हें अभिषेक करे। एक दूसरे को पकड़ो, हाथ पकड़ो, एक दूसरे के हाथ पकड़ो। बहने बहन भाई अपने हाथों को पकड़ो, अपने हाथों को पकड़ो। बच्चे अपने हाथों को पकड़ के रखो, एक दूसरे को पकड़ के रखो, एक दूसरे को पकड़ के रखो। परमेश्वर अभिषेक करेगा, अभिषेक करेगा, परमेश्वर अभिषेक करेगा, अभिषेक करेगा, परमेश्वर अभिषेक करेगा। एक दूसरे के हाथों को पकड़ो, एक दूसरे के हाथों को पकड़ो। थैंक यू होली स्पिरिट। एक दूसरे के हाथों को पकड़ो, एक दूसरे के हाथों को पकड़ो, एक दूसरे के हाथों को पकड़ो। ओ ओ ओ ओ देखो 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 अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है। फच 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 पे दफा, फच पे दफा, फायर होली गॉस, फच फच। यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा, यीशु 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 तू जलाले खुदा, यीशु 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 तू है साफी खुदा। चलने वाला अद्भुत कामों को करने वाला, पानी पे चलने वाला अद्भुत कामों को करने वाला, गाओ दिल से सना, गाओ रूह से सना, परस्तिस करूं मैं सदा, गाओ दिल से सना, गाओ रूह से प्रभु, तेरे आग है मेरे पिता, तेरे आग है, तेरे आग है, तेरे फायर है, तेरे आग है, तेरे फायर है, तेरे आग है।
अपने लोगों को तैयार कर रहा मेरे पिता, मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, तेरे लोगों के ऊपर मैं अपने आँख उंडेलने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो लोग दुख में मुसीबत में आए प्रभु मेरे पिता, आज इनके बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, इनकी बीमारियां छोड़कर चला जाए यीशु के नाम में, इनके परिवार आशीर्वाद हो जाए यीशु के, बीमारी के जुआ फूट जाए, जादू टोना के जुआ फूट जाए, कोई भी बीमार इनको परेशान कर रहा है, पथरियां गिल्टियां रसोलियां शुगर कैंसर सारे बीमारियां यीशु के नाम से आग लगाते हैं। ऑनलाइन चर्च जितने लोग देख रहे हैं उनको पर मैं अभिषेक उतर रहा है यीशु के नाम में। ऑनलाइन चर्च जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु अभिषेक कर रहा है। ऑनलाइन चर्च आशीर्वाद हो जाओ, ऑनलाइन चर्च अभिषेक हो जाओ, फायर होली घोस्ट फायर होली घोस्ट फायर 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 ऑनलाइन चर्च ऑनलाइन चर्च एंड ब्लेस इन जीसस फादर नेम। हर एक लोग आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, हर एक बीमारी से छूट जाओ, हर एक बीमारी से आशीर्वाद हो जाओ मेरे बहना, हर एक लहू बहने वाली बीमारियां यीशु के नाम से चले जाओ मेरे पिता। तेरे लोग आजाद होने पाए यीशु के नाम में, तेरे लोग आशीष होने पाए, तेरे लोग बढ़ने पाए मेरे पिता। जो अनॉइंटिंग जो अभिषेक आज उनके जिंदगी में है उसे कोई अंधकार की शक्ति पाप और गंदगी इनके खराब ना करने पाए मेरे प्रभु। में हर एक जवान बेटियों को जवान बेटों को हर एक सेवा को सेविकाओं को प्रभु मैं तेरे सामर्थ्य हाथ के नीचे देता हूँ। कोई भी बात इनके ऊपर अभिलाषा ना काम करे, कोई भी नशे इनके ऊपर में काम ना करे, कोई भी गलत चीज इनके ऊपर में काम ना करे, पर इन शैतान के हर एक हरकंडा खत्म हो जाए यीशु के नाम में, हर एक पाप का डंका टूट जाए यीशु के नाम में, हर एक शैतानी जुआ खत्म हो जाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु तेरे लोग हजारों के लिए आशीष के कारण बने, जीवित प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। प्यासों को पास तू अपने बुलाता है, जीवन के झरने से उसको पिलाता है, प्यासों को पास तू अपने बुलाता है, जीवन के झरने से उसको पिलाता है, तू ही आस मेरी तू है प्यास परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आज प्रभु आप हमारे बीच में खुला अपने दास के द्वारा प्रभु अचंभे काम किए प्रभु, इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। आज प्रभु हर एक जनों को प्रभु आपने भरा परमेश्वर अपने दास के द्वारा, प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते सामर्थ्य परमेश्वर। आज प्रभु पूरे चर्च खुदावंद आपके दास के प्रभु खड़े होने से प्रभु ब्लेस हो चुके हैं यीशु के नाम में प्रभु, आशीषों में हम जा चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। महान परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, सब कुछ खुदा हम आपके हाथ में प्रभु देते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में बुरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर बुरी हो, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को जमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी रहे। पूरे चर्च बोले आमीन। आइए आशीष वचन लेंगे। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबके साथ में प्रभु का आशीष बनी और ठहरी रहे। बोलो आमीन।